क्वेश्चन नंबर फोर्टी में क्वेश्चन नंबर फोटीन में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इसे हम पहले लॉग एक्स को टी मान के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट करेंगे तो पहले ये एलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आईलेट में एल पहले हो रहा है लॉगडित फंक्शन पहले होता है लॉग एक्स होल स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे और x को इंटीग्रेट कर दिए माइनस फिर लॉग x होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर x को कांस्टेंट x को इंटीग्रेट किया जो आएगा होल इंटीग्रेशन इंटीगेशन लॉग x होल स्क्वायर इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू आएगा माइनस लॉग एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू लॉग एक्स होगा फिर इस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स चेंडुल लगाया हमने फिर इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और डी एक्स आएगा फिर एक्स और एक्स कैंसिल फिर से टू टू कैंसिल तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर आएगा माइनस अब ये रहा एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स तो यहाँ फिर से यू इंटू भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस फिर लॉग एक्स कॉन्स्टेंट लॉग एक्स बाहर होगा एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय एक्स फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स तो ये रहा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स का इंटीगेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू बाहर होगा और x का इंटीग्रेशन रह गया तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी तो रह गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ जाएगा